मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को दबाएं। ऑल बटन को दबाएं मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ मुकुल चोपड़ा। आज मैं आपको बता रहा हूं कपलर को कैसे इस्तेमाल किया जाता है रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। ये दोस्तों कपलर है, तो ये कपलर हमारे काफी फायदे की चीज है। इसमें हमारा टाइम काफी बचता है। तो ये कपलर है बाजार में आमतौर पर मिल जाता है। इससे हम कई फायदे उठा सकते हैं। अगर जो फायदे उठाना चाहते हैं तो मैं उसके बारे में पहले आपको बता दूं कि ये इस्तेमाल कैसे होता है। तो इसमें इस्तेमाल करने के लिए हम पहले इसमें क्वार्टर की पाइप भी इसमें हम लगा सकते हैं। जिस ये क्वार्टर की पाइप यहाँ से हम डालेंगे और इसके बाद इसको ऐसे इसको यहाँ से कस देंगे। तो ये हमारे कहीं पर भी इस्तेमाल हो रही हो तो हम इसमें लगा सकते हैं ये क्वार्टर की पाइप। इसके आगे अगर हम कोई प्रेशर दे रहे हैं या प्रेशर चेक कर रहे हैं तो हम इसमें आगे चार्जिंग की लाइन हम इसको लगा सकते हैं। इसके आगे चार्जिंग की लाइन लगाने के बाद आप कोई भी प्रेशर आप चेक करना चाहो आप कर सकते हैं इससे। ये तो इसे आप यहाँ से प्रेशर देंगे तो ये आपका निकलेगा नहीं। आपसे इसका एक तो टाइम भी बहुत बचता है कि भी हमारा ये जल्दी से जल्दी हमारा काम हो जाता है इसमें। सर क्वेश्चन था एक। हाँ जी, हम क्वार्टर ये क्वार्टर की पाइप की जगह सर कोई और पाइप भी लगा सकते हैं कपलर में? इस वाले में जो हमारे मेरे पास जो कपलर है इसमें हम दो ही चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो आपकी क्वार्टर की पाइप मैंने आपको डाल के दिखाई ये वाली। एक इसमें है 3/16 की। ये 3/16 की पाइप है। 3/16 की पाइप भी आप ऐसी डालनी जैसे आपने ये डाली है। तो इसमें आप डाल के इसको थोड़ा ढीला करने के बाद आगे जाके फिर इसको आप कस दें। तो 3/16 की पाइप या आप ये क्वार्टर की पाइप इसमें दो आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये वाली। तो इसमें मैं आपको बता भी देता हूँ कि अगर कोई न्यू कमर है या इसको पता नहीं है तो ये कपलर ये इसमें दो साइज में आ रहा है, इसमें लिखा भी हुआ है। तो ये 70-80 रुपए तक का आता है कॉस्ट में। अलग अलग एरिया का अलग अलग रेट हो सकता है कंपनी वाइज कंपनी। ये इसका इसमें साइज दिया हुआ है क्वार्टर का, हाफ का और क्वार्टर का दिया हुआ है 3/16 और ये 3/4 का। ठीक है जी, 1/4। ठीक है जी। उसके बाद आप सर कपलर का फायदा क्या होता है? फायदा ये है कि आपका टाइम बहुत बचता है। वो तो मैं आपको चेक करके भी दिखा दूंगा। ये जो कपलर है बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं हम। कहीं भी सेक्शन लाइन में, चार्जिंग लाइन में प्रेशर चेक करना है, अपनी गैस भरनी है, कहीं पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपको एसी में लगाना है, फ्रिज में लगाना है, किसी हमारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम में आप लगाना चाहते हो तो आप ये लगा सकते हैं। ठीक है जी, कपलर को प्रैक्टिकल यूज करके दिखा दो सर एक बार। प्रैक्टिकल भी करके दिखा देते हैं। मेरे पास ये स्टैंड बाय कंप्रेसर है, उसमें मैं आपको ये चेक करके दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। तो ये आपका ये स्टैंड बाय मेरे पास कंप्रेसर है, ये लो स्पीड का कंप्रेसर है, ये फ्रिज में लगता है। तो मैं आपको सर इसमें आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें आप हम क्या चेक कर सकते हैं। कुछ भी हम चेक कर सकते हैं। पहले जैसे अब ये इसकी डिस्चार्ज लाइन है, तो डिस्चार्ज लाइन में अगर हमारे पास कपलर नहीं होगा तो हमारे को यहाँ पे यहाँ तो डायरेक्ट इसको हमें यहाँ पे फ्री नट लगाना पड़ेगा। डायरेक्ट यानी कि यहाँ से हम डायरेक्ट हमें फ्री नट लगाना पड़ेगा। यहाँ हम इसको यहाँ पे इसके आगे यहाँ से स्विच करके यहाँ पे हम टांका लगाएंगे। तो इसमें हमारा टाइम वेस्ट होगा। पहले तो हम यहाँ टांका लगाएंगे फिर इसके आगे हम प्रेशर चेक करेंगे। तो उसकी जगह अगर हम ये लगाएंगे आपका कपलर लगाएंगे तो कपलर में क्या होगा कि आप इसको यहाँ पे ढीला करके इसको पहले इसमें डाल देंगे। इसमें ये डालने की ये हमारी क्वार्टर की पाइप है, तो इसमें पहले इसको खोल लेते हैं ये वाले को ताकि आपको ये प्रॉपरली लग जाए। तो इसमें प्रेशर ये 450 तक प्रेशर भी रोक लेता है। तो ये अब यहाँ पे इसको आप डाल के अच्छी तरह से फिर उसके बाद इसको आप इसको ये टाइट कर लीजिए। ठीक है, अब मैं आपको कंप्रेसर चला के पहले दिखाऊंगा कि इसके बाद हम इसका क्या बेनिफिट कर सकते हैं। इसको कंप्रेसर को चलाया है, ये कंप्रेसर चल रहा है, ये इसका डिस्चार्ज लाइन है, प्रेशर आ रहा है इसमें से। इसके बाद इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया, ये इसकी चार्जिंग लाइन है। तो चार्जिंग लाइन के बाद इसको इसका मैं प्रेशर आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। इसमें ये अगर आप कुछ भी चेक करना है जरूरी नहीं है अब कि प्रेशर ही चेक करना है। अगर आप यूनिट में से कोई कंप्रेसर निकालते हैं तो आप कस्टमर को फटाफट आप बता सकते हैं कि भी ये कंप्रेसर इसका प्रेशर है कि नहीं है, या कस्टमर को कुछ भी आप बता सकते हैं। क्योंकि आपका मान लो आपके पास गन नहीं थी उस टाइम, तो आपका कपलर था तो आप कपलर से आप बता सकते हैं ये।
तो ये आपका ये प्रेशर चल रहा है ये, तो अब ये प्रेशर इसी तरह से प्रेशर चलता रहेगा ये, तो ये प्रेशर आप इसमें आप चेक करके दिखा सकते हैं। तो उसके बाद ये आप खोल लीजिए तो आपको पता चल गया कि इसमें प्रेशर है कंप्रेसर में। तो ये आपका बेनिफिट है कि भी आप अगर आपने प्रेशर चेक करना है, अगर आपने गैस भरनी है, चार्जिंग करनी है, या आपने वैक्यूम करना है, कुछ भी करना है, तो आप ये आप कर सकते हो। तो मैंने तो सिर्फ आपको यूनिट में नहीं दिखाया, ये मैंने आपको अलग से स्टैंड बाय कंप्रेसर में बताया है। तो ये आपको इसी तरह से अगर आप आपका ये टाइम बचता है और आप एक फटाफट कस्टमर को बता सकते हैं भी आपके कंप्रेसर में क्या प्रॉब्लम है। इस तरह से इसको आप खोल लीजिए, ये आपका बाहर आ गया। तो ये इसके बेनिफिट यही है कि इसका आपका टाइम बहुत बचता है। आप कहीं पे भी कोई रिपेयरिंग करने गए हो तो आपके पास गन नहीं है, तो आपके पास ये कपलर है, तो आप इसे इस्तेमाल करके आप जल्दी से जल्दी इसको बता सकते हैं कस्टमर को भी आपका क्या इसमें प्रॉब्लम है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये कपलर कैसे इस्तेमाल किया जाता है ये आपको समझ आ गया होगा। तो मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।